गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो है आपके चूल्हे के तेल के लिए, ये कैसे बनता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चूल्हे के तेल में विटामिन के पाया जाता है, ए भी पाया जाता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप चूल्हे का तेल यूज़ कर सकते हो। और ये जैसे कि आपके स्कैल्प को मजबूत बनाने में भी मदद करता है, जिससे आपके बाल नहीं झड़ते हैं। सो ये आपके हमारे अपर शिमला मतलब हिमाचल में काफ़ी पाया जाता है चूल्हे का तेल, और ये हिमाचल में बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ भी करते हैं। सो ये ऑनलाइन भी आप इसके ख़रीद सकते हैं, एप्रिकॉट ऑयल्स के नाम से आप सर्च करके, क्योंकि चूल्हे को एप्रिकॉट ऑयल बोला जाता है, तो खुमानी को भी एप्रिकॉट ही बोला जाता है। तो खुमानी थोड़ी खाने में मीठी होती है, जिसके अंदर के बादाम होते हैं वो मीठे हैं, जो चूल्हे के बादाम होंगे वो थोड़े कड़वे होते हैं। बहुत ही कड़वे कड़वे होते हैं। सो हम इसे इस तरह से बनाएंगे, पहले हमें इसे पानी में भिगोना है, फिर हमें इस तरह की रस्सी लेनी है, ताकि जब हम इसे तोड़े तो इस रस्सी से उछल के बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो रस्सी से उछल के बहुत बाहर जाते हैं। सो आप इस चूल्हे के तेल को अपने फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लो के लिए भी काफ़ी काम करेगा। और अगर आपकी बट ये आपको ऐसे हर कभी यूज़ नहीं करना, आप सोने से पहले थोड़ा सा लगा सकते हो। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो आपको बेनिफिट नहीं देती है। सो इस तरह से हम चूल्हे को तोड़ देंगे, और इसके अंदर की जो गुठली निकलेगी इसे हमें अलग करना है। तो इसको अलग कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है, जब गुठली के साथ साथ इसके छिलके भी होंगे, तो एक एक करके तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसका ट्रिक भी मेरे पास है, सो आप इसको वीडियो को देखते रहिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो गाइज़, आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे थोड़ा मतलब टाइम लगेगा एडजस्टमेंट करने में यूट्यूब पे। सो इस तरह से देखो, हमने तोड़े हैं। सो अब हम इसे पानी में डालेंगे। पानी में डाल के क्या होगा, जो इसकी गुठलियाँ हैं वो ऊपर आ जाएंगी, जो इसके छिलके हैं वो नीचे रह जाएंगे। सो हम इसको एक डंडे के सहारे गोल गोल घुमाएंगे, और ये कुछ इस तरह से निकल के ऊपर की सारी गुठलियाँ आ जाएंगी, और ये बिल्कुल साफ़ अच्छे तरीके से होंगे, और ये खाने में बहुत कड़वे होते हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि इसको हम खाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सो इसका तेल आपके घुटनों के दर्द के लिए भी काफ़ी काम आता है। सो गाइज, अब आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।